हेलो एवरीवन, वास्तु पार्ट 4, वास्तु शास्त्र टिप्स फॉर होम्स प्लॉट्स ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, स्ट्रक्चरल फर्स्ट कॉलम में स्ट्रक्चरल पोजीशंस, ये नॉर्थ पोजी, फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले किचन, किचन नॉर्थ में नहीं आना चाहिए, साउथ में गुड है, आ सकता है, ईस्ट में भी आ सकता है, वेस्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में तो आना ही नहीं चाहिए, फिर नॉर्थ वेस्ट क्रॉस, साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट पोजीशन है, साउथ ईस्ट बेस्ट, साउथ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट सबसे बेकार पोजीशन है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में तो आना ही नहीं चाहिए और साउथ ईस्ट में बेस्ट है और साउथ वेस्ट में भी नहीं आना चाहिए। फिर आता है स्टेयर केस, स्टेयर केस में नॉर्थ में नहीं आना चाहिए, साउथ में गुड है, वेस्ट में नहीं, सॉरी ईस्ट में क्रॉस, वेस्ट में गुड, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि ईशान कोण है और ये कोण अपना फ्री रहना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में गुड है, साउथ ईस्ट में भी गुड है और साउथ वेस्ट में बेस्ट है, सबसे अच्छा मतलब साउथ वेस्ट पोजीशन है स्टेयर केस के लिए और नॉर्थ ईस्ट बेकार पोजीशन सबसे। फिर टॉयलेट, टॉयलेट ओके रहेगा इसमें तो, नॉर्थ में आ सकता है, आ सकता है मतलब ओके कहा है, साउथ में गुड है, ईस्ट में क्रॉस, वेस्ट में क्रॉस, सॉरी वेस्ट में गुड है, आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं आएगा, नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट है ये टॉयलेट, नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट है, साउथ ईस्ट में गुड है और साउथ वेस्ट में क्रॉस। अब चलते हैं हम बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ठीक है, तो अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है, नॉर्थ में गुड, साउथ में नहीं, ईस्ट में गुड है, बेस्ट में नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ही सबसे अच्छी पोजीशन है बोरिंग के लिए, अंडरग्राउंड टैंक के लिए, नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं आना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी नहीं आना चाहिए, साउथ वेस्ट में भी तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। फिर टेंपल, जो मंदिर है, गुड है नॉर्थ में और बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। अब हम ओवरहेड टैंक की बात करते हैं, ये नॉर्थ में नहीं आना चाहिए, गुड है साउथ में, बेस्ट है वेस्ट में और साउथ वेस्ट में भी आ सकता है। अब मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम ओके है नॉर्थ में, गुड है साउथ में, आ सकता है, गुड वेस्ट में आ सकता है और बेस्ट सबसे अच्छा रहेगा साउथ वेस्ट में। फिर किड्स रूम, नॉर्थ में नहीं आना चाहिए, साउथ में गुड है, ईस्ट में भी गुड है और नॉर्थ वेस्ट में गुड, वेस्ट में गुड है, नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं आना चाहिए किड्स रूम और साउथ ईस्ट में नहीं आना चाहिए, साउथ वेस्ट में आ सकता है। फिर गेस्ट रूम, नॉर्थ में आ सकता है, साउथ में नहीं आना चाहिए, ईस्ट में आ सकता है, वेस्ट में गुड है और नॉर्थ वेस्ट गुड, साउथ वेस्ट गुड, बाकी सब जगह क्रॉस है, नॉर्थ ईस्ट क्रॉस और साउथ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। गेस्ट रूम, नॉर्थ गुड, साउथ में क्रॉस, ईस्ट में गुड, वेस्ट में गुड, साउथ वेस्ट में गुड, साउथ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। फिर लिविंग रूम, सॉरी गेस्ट रूम जो था बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट में, फिर लिविंग रूम गुड है नॉर्थ में, उत्तर में और साउथ दक्षिण में क्रॉस है, ईस्ट पूर्व में गुड है और बेस्ट सबसे अच्छा रहेगा नॉर्थ वेस्ट में अगर लिविंग रूम है तो। ठीक है, अब हम वास्तु जो फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल हुआ वो बताते हैं, वास्तु फॉर फैक्ट्री, अभी ये सब स्वीट होम के लिए था, अब फैक्ट्री के लिए अगर हैवी मशीन्स हैं तो वो नॉर्थ में नहीं आना चाहिए, गुड साउथ में गुड है और नॉर्थ ईस्ट में तो आना ही नहीं चाहिए, कैंसिल है बिल्कुल, डेंजर का साइन बना है और साउथ वेस्ट में वो बेस्ट है, बहुत अच्छा रहेगा।
अब मैं आपको बेस्ट बताते जाता हूँ और वर्स्ट बताते जाता हूँ बस। लाइट मशीन्स जो हैं वो बाकी सब में गुड हैं, पर वर्स्ट हैं नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, और बेस्ट है साउथ वेस्ट में। फिर बॉयलर, एसी पैनल्स या हीटर गुड हैं दो जगह, साउथ और ईस्ट में, वर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट में और बेस्ट है साउथ ईस्ट में। फिर रॉ मटेरियल्स गुड है सब जगह, बस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के सब जगह गुड है रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड्स ओके है नॉर्थ में, और अवॉइड करना चाहिए यहाँ लिखा है साउथ में, और बेस्ट है कहाँ, नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट है। फिर स्पेयर पार्ट्स रूम्स गुड हैं सब जगह गुड है, बस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट को छोड़ के सब जगह गुड है। फिर मेंटेनेंस वर्कशॉप ये गुड है सब जगह गुड है, बस ये नॉर्थ ईस्ट छोड़ के। फिर कैंटीन सब जगह ओके है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और बेस्ट है जो पोजीशन कैंटीन के लिए साउथ ईस्ट है, अग्निकोण जो कि होता है किचन जहाँ आता है, और कैंटीन में भी वही सब काम होता है जो किचन में होता है। फिर लेबर चेंज रूम एक दो तीन चार पाँच जगह क्रॉस है, और गुड तीन जगह है, गुड मतलब नॉर्थ में है, साउथ में है, सॉरी नॉर्थ में है और ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में है। अब प्लांट या फैक्ट्री ऑफिस देख लें, सब जगह गुड है, बस दो पोजीशन छोड़ के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट छोड़ के। फिर ऑस्पिशियस प्लांट ये मतलब ऑस्पिशियस प्लांट कहाँ कौन कौन से होना चाहिए किस डायरेक्शन में, ये थोड़ा अपन डिटेल जाएंगे। नॉर्थ में पक्कड़ का लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं, और फिर गूलर का साउथ में होना चाहिए प्लांट, फिर वाटा ईस्ट में वाटा, फिर पीपल का होना चाहिए वेस्ट में, और आंवला का होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में, बेल का रख सकते हो आप नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, अनार का साउथ ईस्ट में, और इमली का साउथ वेस्ट में। फिर एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट जो कि हमने पिछले टॉपिक में देखे थे, ये गुड है नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर है जो कि, फिर साउथ डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, एक्सटेंशन प्लॉट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए दक्षिण दिशा में। फिर गुड है ईस्ट में, और बेस्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में, अगर एक्सटेंडेड आपको प्लॉट तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, ये अपन ने पहले बात कर चुके हैं ये बात। बाकी सब जगह क्रॉस है, मतलब नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए आपका प्लॉट। फिर ऑफिस पोजीशन, अगर का क्या नॉर्थ में आप अकाउंट्स का सेक्शन रख सकते हो, सीनियर स्टाफ का आप रख सकते हो ऑफिस में साउथ में, अकाउंट्स का रख सकते हो ईस्ट में, सीनियर स्टाफ का वो रख सकते हो कैबिन वेस्ट में, और विजिटर्स का रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, मार्केटिंग नॉर्थ वेस्ट, अकाउंट्स फिर साउथ ईस्ट में, और चेयरमैन जो होता है उसका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।